नहीं, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो इलेक्ट्रिसिटी किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे। चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगा, कोई भी कंडक्टर है ठीक है, उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर टाइम में, जितना ज्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। तो इसका क्या फॉर्मूला बताया मैंने चार्ज का, एन ई। और क्यों, क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को, और क्योंकि ऐसा यूनिट कूलम, कौन सी कूलम ठीक है। और एन यहाँ क्या है, इंटीग्रल वैल्यू, क्या है इंटीग्रल वैल्यू ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू मतलब एन वन टू थ्री फोर ऐसे ही होगा ठीक है, एन बराबर टू बाई थ्री वन बाई टू ऐसे नहीं होगा ठीक है, समझ में आ गया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन है इस पे चार्ज है, चार्ज की वैल्यू क्या होती है, नहीं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन क्या है, जैसे कोई भी एटम है, एटम के सेंटर नाभिक, नाभिक न्यूक्लियस है ना, इसमें क्या होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा ठीक है। तो अब कोई भी चक्कर लगाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज ये, और प्रोटॉन कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, प्रोटॉन पे सेम 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, पर ये किस में होगा पॉजिटिव में, और ये किस में होगा नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रल रहेगा, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल रहेगा ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट कर दो सर ठीक है। अब देखो चार्ज समझ में आ गया, चार्ज क्या होगा, अब चार्ज पे करंट कैसे डिपेंड करेगी, जैसे कि पर टाइम में, जैसे कि ये कोई एक कंडक्टर है ठीक है, इसमें ये चार्ज फ्लो हो रहे हैं ना, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, जितने ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतनी ज्यादा करंट होगी। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, चार्ज पर टाइम में कितना ज्यादा फ्लो हो रहा है वो क्या कहलाएगी, करंट, और करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इक्वेशन लिखो, जैसे कि लिखो कोई भी एक बॉडी है ठीक है, उस पे 32 कूलम चार्ज है ठीक है, और टाइम फ्लो हो रहा है 8 सेकंड में, तो करंट फाइंड आउट करो ठीक है। कितना है 4 एम्पियर, सिंपल है। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू की वैल्यू क्या है 32, और 8 सेकंड देने का ऐसा ही मात्रा का, तो कितने टाइम्स 4 एम्पियर, समझ में आ गया। अब देखो करंट समझ में आ गई, चार्ज समझ में आ गए, नेक्स्ट क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, क्षमता, किसी भी काम की करने की क्षमता। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, कोई भी चार्ज है, कोई भी क्यू चार्ज है ठीक है, कोई भी क्यू चार्ज को, ये इसकी लोकेशन है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से एक सोर्स ऑफ पॉइंट ए है कोई भी ठीक है, तो इन्फिनिटी से इस पॉइंट ए तक लाने में, इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, उसको क्या कहेंगे पोटेंशियल, क्या कहेंगे पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन चार्ज, समझ में, कोई भी इन्फिनिटी पे कोई चार्ज है उसको एक सोर्स ऑफ पॉइंट ए तक लाने में जितना कार्य करना पड़ेगा उसको क्या कहेंगे पोटेंशियल, और पोटेंशियल के ऐसे यूनिट, देखो वर्क की ऐसा यूनिट क्या है जूल, और चार्ज की क्या है कूलम, तो पोटेंशियल की जूल पर कूलम भी यूनिट होती है, लेकिन ऐसे यूनिट क्या होगी वोल्ट, याद आ रहा, ऐसे यूनिट क्या होगी ठीक है, ऐसे यूनिट है ना, ऐसे यूनिट है वोल्ट,
अब देखो, और नेक्स्ट क्या बताया था मैंने, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, जैसे प्रेशर डिफरेंस कैसे होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जानते हो, जैसे कि दिल्ली में इतना प्रेशर है, बॉम्बे में इतना है, तो कोई भी दो आइटम है, जैसे दो सिटी है, जैसे सिटी ये हो गए, जैसे दिल्ली और ये बॉम्बे सिटी भी है ना, तो इन दोनों यहाँ जैसे 80 पास्कल है, पास्कल किसके प्रेशर की यूनिट है, यहाँ है 40, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर है। तो ऐसे कैसे हम जैसे दो पॉइंट लेते हैं, बैटरी ए है और बैटरी बी है, यहाँ है 10 वोल्ट, यहाँ है 5 वोल्ट, तो इन दोनों का डिफरेंस वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, आया समझ में। नेक्स्ट क्या बताया था, आगे ओम्स लॉ है ना, देखो ओम्स लॉ कल बता, पोटेंशियल डिफरेंस ये तो बता दिया, नेक्स्ट क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है, जैसे कोई भी सर्किट में, कोई भी सर्किट में कितनी ज्यादा करंट फ्लो हो रही है वो उसके सप्लाई पे प्रोपोर्शनल होगी, वी प्रोपोर्शनल टू, वी प्रोपोर्शनल टू, जितनी ज्यादा करंट, जितनी ज्यादा सप्लाई उतनी ज्यादा करंट, समझ में। तो इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट को, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आर और आई, आर क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या काम करेगा, करंट के फ्लो को रोकेगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा नहीं, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी कम करंट, ठीक है। तो यहाँ से ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, ओम्स लॉ, किसका है, ओम्स लॉ। तो जैसे कि यहाँ से करंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू वी अपॉन, ठीक है, और आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और आर है रेजिस्टेंस, इसका ऐसा ही मात्र क्या है, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो आर है, आर, आर भी कुछ न कुछ रेजिस्टेंस है, तो वायर का बना होगा, तो वो कोई ना कोई मटेरियल पे डिपेंड करेगा, तो आर कौन कौन किस किस पे डिपेंड करेगा, उसका फॉर्मूला है रो एल अपॉन ई, ठीक है। अब रो क्या है, उस मैटर की रेजिस्टिविटी, क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, और ए है क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो तो यहां से क्या निकाल सकते अपन रिजल्ट, आर प्रोपोर्शनल टू, आर प्रोपोर्शनल टू, आर प्रोपोर्शनल टू एल, जितनी ज्यादा वायर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, कल बताया था ना, आर प्रोपोर्शनल, ये तो रिवीजन चल रहा है, आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, और आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन, याद है। और इन सब पे है ना टेम्परेचर अपन को क्या रखना है, मैंने क्या बताया, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या रखना है, कॉन्स्टेंट, जैसे रूम टेम्परेचर हो गया 26 डिग्री 25 डिग्री है ना, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना, अगर क्या बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। अब जैसे ओम्स लॉ का ग्राफ बनाना बताया था मैंने, ओम्स लॉ, जैसे कोई भी ग्राफ बनाते हैं ओम्स लॉ, ठीक है, ग्राफ से क्या निकलते हैं अपने रिजल्ट निकलेंगे कुछ न कुछ, तो ये क्या, इधर क्या लिया था अपने, वी वोल्टेज, इधर करंट, ठीक है। अब देखो वी और आई में क्या रिलेशन है, वी प्रोपोर्शनल टू आई है, तो जैसे करंट 1 एम्पियर है तो वोल्टेज 1 वोल्ट, 2 एम्पियर 2 वोल्ट, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, लीनियर ग्राफ, ठीक है, समझ में आया, ये ओम्स, ओम्स लॉ का ग्राफ है। अब देखो इससे V अपॉन I से क्या आ जाएगा, R की वैल्यू आएगी, V अपॉन I से क्या आ जाएगी, यहाँ तक किया था अपने। अब देखो न्यूमेरिकल बाकी है, बुक दे वे फॉर्मूला भूल गए, फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन, किसका फॉर्मूला,
रेजिस्टेंस का क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब एक कोई भी मटेरियल है ठीक है, उसका वायर है, लेंथ है एल और क्रॉस सेक्शन एरिया है इस वायर का ए, ठीक है, और इस वायर की कोई भी रेजिस्टिविटी, एक बात बताई थी मैंने रेजिस्टिविटी रो, रेजिस्टिविटी सेम मटेरियल की रहेगी, रेजिस्टिविटी एक ही मटेरियल की सेम रहेगी, जैसे कॉपर है तो उसकी एक जैसे 20 डिग्री सेंटीग्रेड कुछ फिक्स कर दी, एल्यूमिनियम है उसकी फिक्स कर दी, सिल्वर है फिक्स कर दी, है ना, वो इस रेजिस्टिविटी पे ध्यान नहीं देना। तो नेक्स्ट क्या है, R इजिकल टू रो एल अपॉन ए, तो रेजिस्टिविटी तो फिक्स है, एक ही वायर है, क्या कह रहा है एक वायर है, उसकी इनिशियल शुरुआत में लेंथ कितनी एल और एरिया कितना, अब तब इसका रेजिस्टेंस का मान कितना आता है, रेजिस्टेंस और ये दे रखा है अपन को, जैसे लेंथ है एल एरिया है ए तो रेजिस्टेंस है 4 ओम, तो अब वो क्या कह रहा है, व्हाट विड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर अदर सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल मीन्स रो तो फिक्स है, हैविंग लेंथ, इसकी लेंथ क्या कर दी हाफ कर दी, है ना, आधी कर दी, लेंथ कन्वर्ट एल टू एल बाई टू और एरिया क्या हो गया डबल हो गया, तो अब ये अपन को क्या पूछ रहा है रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ, ये है क्वेश्चन समझ में आया, इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा अपन को 4 ओम, तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो तो ए की मटेरियल यूज कर रहा है तो अपन को टेंशन नहीं, एल बाई ए इसका मान आ रहा 4, अब वो उसी सेम मटेरियल के वायर को एल को कर देता एल बाई टू और ए को डबल कर देता, कुल मिला के लेंथ कम कर देता एरिया मोटा कर देता, है ना, समझ में आए, एरिया ज्यादा हो गया मतलब वायर मोटा हो गया और लेंथ कम कर दी मतलब लेंथ छोटा हो गया, ठीक है, तो अब इसका सेम अपन को क्या निकालना, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस फाइंड करना, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे सेम क्या है, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन, रो तो स्लो रहेगा कोई दिक्कत नहीं, एल क्या होगा एल बाई टू और नेक्स्ट क्या है टू ए, तो ये क्या हो गया रो एल अपॉन फोर ए, तो अब देखो रो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या है अपने पास, रो एल अपॉन ए की वैल्यू क्या, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं तो फोर अपॉन फोर, तो ये क्या हो गया, अब जैसे लेंथ कम कर देंगे और एरिया डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस की नई वैल्यू क्या आएगी, आया समझ में, कुछ नहीं किया लेंथ हाफ कर दी एरिया डबल कर दिया, तो ये फॉर्मूला है रो एल अपॉन ए की वैल्यू अपन को क्वेश्चन में दे रखी है 4 ओम, तो 4 अपॉन 4 क्या हो जाएगा 1 ओम, नेक्स्ट क्या बताया मैंने रेजिस्टिविटी, रेजिस्ट देखो रेजिस्टिविटी कैसे आएगी, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन में एल, तो रो क्या है रेजिस्टिविटी है, अब देखो इसकी यूनिट याद है किसी को, ओम मीटर ये पढ़ना है, देखो ओम मीटर कैसा है ये बता दो, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है सबको पता, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है ओम, एरिया की यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर और लेंथ की नींद आवे मीटर, तो मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो यूनिट क्या बची ओम मीटर, किसकी यूनिट है समझ में करण, अब देखो रेजिस्टिविटी है ना लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि वायर कितना लंबा है, अब देखो यहाँ कोई केबल है ठीक है, ये मान लेते 10 मीटर है, कितनी है इसको कट करके 2 मीटर कर दिया, तो अब ये पहले थी किसकी कॉपर की, कॉपर मतलब जानते हो तांबा, और अब इसको कट करके 2 मीटर कर दी तो ये सोना की हो जाएगी गोल्ड की सेम रहेगी, तो ये किस पे है, तो रेजिस्टिविटी तो उसी मटेरियल की है, तो ये इसके मटेरियल की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इसके एरिया पे डिपेंड करेगा क्या, ये बताओ मेरे को करेगा कि नहीं करेगा क्या, हाँ मतलब जैसे ये मोटा है तो ये कम हो जाएगा तो अभी उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो
लोहे की है तो चांदी की नहीं बढ़ेगी, समझ में आ गया पक्की बात। तो अब ये क्वेश्चन करोगे रजिस्टिविटी पे, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया कैसे सॉल्व करना। राहुल इधर देखो, सबसे पहले अपने पास क्या डाटा दे रखा है, मैंने सीधा लिख दिया डाटा, तो क्या यूज करना है सबसे पहले फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो वो अपने क्या क्या फॉर्मूले, क्यू इजिकल टू एन ए, क्यू इजिकल टू आई पी, वी इजिकल टू आई आर, वी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन आर इजिकल टू रो एल अपॉन, और रो इजिकल टू, यही तो बताए फॉर्मूले। तो अब इसमें से माता क्या कह रहा है, कौन सा लगाना चाहिए, सबसे नीचे वाला, ये पूछा जो पूछा वही लगाना, तो ये फॉर्मूला लगाओ सबसे पहले। लगाना मतलब उठा के नहीं ले जाना, यहाँ लिख सकते हैं अपन वापस, है ना। देख थारो की माँ तो कह रही है चेंज कर लो, वो तो मीटर स्क्वायर में जा, इन्हें चेंज करो मीटर में, क्या कर करो चेंज मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 100, 40 अपॉन 0 से 0 0.4, ठीक है। वो काम तो सही करियो, दिमाग एक्शन लियो कि चेंज कर लो। देख राहुल लियो है, कोई भी चीज रहे उन्हें सेम यूनिट रहनी जरूर, तो लेंथ भी यूनिट का है, एसआई यूनिट मीटर का है, मीटर एरिया मीटर स्क्वायर में दियोड़ा तो कोई तकलीफ नहीं, अगर एमएम में हो तो इन्हें चेंज करता, ठीक है। रेजिस्टेंस ओम में, और अपने क्या क्या चाहिए, रजिस्टर रो, हाँ रजिस्टेंस, रजिस्टेंस दे रखा है, एरिया दे रखा है, लेंथ कन्वर्ट कर दी मीटर में, सबको मीटर में और टाइम को सेकंड में, हमें टाइम मिनट में दे दे कहीं भी, तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में, और लेंथ और एरिया सेंटीमीटर या एमएम में हो तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। रजिस्टेंस कितना था, 20 ओम, 20 ओम का रजिस्टेंस, दिखे करंट नहीं दिखे तो इन साइड आ जाए। लेंथ कितनी है, 0. देखो पहली थी 40 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में कितने कन्वर्ट करना, मीटर में, तो 40 अपॉन मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 40 अपॉन कितना आया, 0.4 मीटर। ये चीज आ गई समझ में। नेक्स्ट क्या है, एरिया, एरिया कितना दे रखा था, 0.2 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना था, निकालना क्या था, रेजिस्टिविटी, है ना। देखो चार ही तो चीज है, आर इजिकल टू रो एल अपॉन ए, ये एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का, ये दे रखा अपन को, ये नहीं दे रखा, तो ये निकालना, ये तो निकालना क्या, रो, रो क्या है, किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी, तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन, आया समझ में। अब देखो रो है, आर की वैल्यू क्या है, 20 मल्टीप्लाई विद 0.2, सही है, चलो ध्यान तो है, ठीक है। तू क्यों आई, क्योंकि एरिया हो फुट पर बना, ठीक है, और अपॉन में, अपॉन में लेंथ ऑफ वायर 0.4, सॉल्व कर सको ना, कर सको भाई, आया मीटर वीटर तो कट जाए, वो तो यूनिट आएगी। देखो रेजिस्टिविटी है ना, बार बार सॉल्व नहीं करनी, रेजिस्टिविटी की यूनिट फिक्स है, ओम मीटर, वो फिक्स है ना, आंसर ओम मीटर में ही जाए, जैसे आप वोल्टेज निकालो तो वोल्ट में ही जाए, क्योंकि आप यूनिट ऊपर ही कन्वर्ट कर दी, सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कर दी ना ऑलरेडी, तो यूनिट तो फिक्स है। अब देखो पॉइंट टू पॉइंट चार पांचवा, तो रो कितना है, आया पक्की बात राहुल, अब समझ में आया। देखो एक फॉर्मूला लिखा है, क्यू इजिकल टू पेज पलटनो काम नहीं चले, कितना पेज पलटे है ना, तो क्यू इजिकल टू एन ही है। अब देखो इनमें क्या निकाल, एन का बताया मैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या पूछिए द नंबर ऑफ, वही तो पूछियो, तो क्या निकालना, एन इन वैल्यू निकालनी, एन की वैल्यू निकालनी, और क्यू, क्यू का है ये तो दियोड़ो क्वेश्चन में, दियोड़ो चार्ज वो का दियोड़ो 1 कूलम, दियोड़ो, तो देखो क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम,
एन अपने निकालना, ईरी वैल्यू ध्यान है कितनी, देखो क्यू इज इक्वल टू एन, क्यू री वैल्यू कितनी है 1 कूलम्ब, मतलब यूं भी दे सके, जरूरी नहीं हर बार यूज लिखे, ठीक है। तो क्वेश्चन इन वास्ते में क्यों ध्यान पड़ो, समझ में आ रही है लोग, देखो क्यू री वैल्यू है 1, एन अपने निकालना और ई री वैल्यू कितनी है 1.10⁻¹। अरे समझ में, अब इस आंसर निकाल दो, निकाल देखो मैथ्स में सिंपल चीज क्या है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड, तो एन इज इक्वल टू 1 अपॉन मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा 1.6 × 10⁻¹। अब तो आज आया इसलिए तकलीफ है, देखो माइनस की पावर है नीचे है तो ऊपर चली जाएगी तो प्लस में हो जाएगी, याद है, देख सिंपल है घात, पावर पावर रूल क्या कहते हैं, बेस समान बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि 10⁻³ × 10⁴, आंसर क्या आएगा, बेस समान है दोनों का 10 तो पावर ऐड हो जाएगी 10⁷। और कोई भी 10⁻ अगर माइनस में है नीचे ऊपर जाएगी तो 10⁻ प्लस में हो जाएगी, याद है सबको। अब देखो ये माइनस में है तो ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 10⁻¹ अपॉन में 1.6 × 10⁻¹⁰। कुछ नहीं है मतलब 10⁻¹ अभी लिख दिया मैंने तो इसको हटा देता, ठीक है समझ में आया, ठीक है 10⁻¹ अपॉन 1.6। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, नहीं आ रहा समझ में, कुछ भी आ रहा है नहीं, कैसा आएगा पॉइंट हट जाएगा, फिर देख ऐसे करना 10⁻¹ है तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 × 10⁻¹, लिख सकते हैं 10 × 10⁻¹⁸, तो एक 10 सेपरेट हो जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे अपन 10 × 10⁻¹⁸ डिवाइड बाय, देखो बेस समान है दोनों का 10 और 10, तो 18 + 1 = 19 हो रहा है, इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो 10 / 1.6 करेंगे क्या आएगा, भाग दो 10 में सब भाग दो 1.6 का, अब देखो अर्थ तक सॉल्व लेगो बाय चांस भाग देवनी नहीं आवे, ठीक है तकलीफ ही जाननी देवनी आवे तो बाय चांस नहीं आवे ना, तो फिर ऑप्शन देखो मैं ऑप्शन वास्ते लिखिए, देखो जो भी सॉल्व करो इनो आंसर आए आगे वालों पर, पावर तो 10⁻¹ जाए ऑप्शन 18 के इनमें इनमें आ गए इनमें इनमें, अब आंसर तो फर्स्ट है आंसर तो भाई, पर अपने जैसे तकलीफ देगी ना भाग दे ना तो आंसर तो भी निकाल सको ना, तो इन भाग देव कितना आए एन इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻¹⁸, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है लिखो।